अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी के इंटरव्यू में आज हमारे साथ बोल चैनल की न्यूज एंकर सना करीम मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपके साथ साथ वो तमाम तर लोग जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको भी सलाम करना चाहूँगी। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपने न्यूज़ एंकरिंग का आइडिया कैसे आया और अब तक का सफ़र कैसा रहा? अब तक का सफ़र कैसा रहा? तो अब तक से एक बहुत बड़ी याद वाबस्ता है, जैसा कि आप खुद भी जानते हैं कि अब तक से भी मुंसलिक रही हूँ, अब तक न्यूज़ चैनल में भी मैंने काम किया है। और आइडिया कैसे आया या शौक था या कुछ था, ये कह लीजिए कि ये एक शौक भी था ठीक है। और एक पेरेंट्स की एक होती है ना ख्वाहिश होती है, अक्सर जब हम छोटे होते थे तो PTV में न्यूज़ वगैरह आती थी, 9 बजे का बुलेटिन हुआ करता था, तो हमारे पेरेंट्स बैठकर बहुत शौक से देखा करते थे, तो वो सब चीज़ें होती थी। तो माँ बाप की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन उस जगह पर देखना चाहते हैं अपनी औलाद को कि आया कि हमारे जो बच्चे हैं वो कामयाब हों, तरक्की हासिल करें। तो शुरू से ये था कि घर में बहुत ज़्यादा फन मस्ती इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ये सोचा नहीं था मैंने कि आया कि आने वाले दिनों में कभी मैं ऐसा न्यूज़ एंकर के तौर पर उभर कर आऊँगी सामने। लेकिन पेरेंट्स की ख्वाहिश ज़रूर ये थी, और फिर इंडस विजन से बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था और वहाँ पर ऑडिशन दिया था, तो फिर उसमें पास हो गए थे। और जो वहाँ के ऑनर थे उन्होंने मुझे तकरीबन 10 दिन की बाद मुझे ऑनियर कर दिया था, तो मैं खुद भी शॉक थी कि आया ये हुआ क्या। तो बस इस तरह से इंडस विजन से स्टार्ट किया, फिर कुछ टाइम के लिए ब्रेक किया 2-3 महीने के बाद, क्योंकि पढ़ाई भी थी साथ साथ। फिर उसके बाद वाइव TV था, वहाँ पर एक मॉर्निंग शो किया, लेकिन उसके बाद फिर मॉर्निंग शो में इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर वो न्यूज़ एंकरिंग की है और न्यूज़ कास्टर जिसे कह लें आप, तो अब जो है बोल से वाबस्ता हूँ। इससे पहले Metro 1 न्यूज़ में काम किया, फिर अब तक न्यूज़ चैनल में किया, और अब माशाल्लाह से बोल में हूँ। माशाल्लाह मैम, आपके अब तक कितना एक्सपीरियंस है और आपने कितने न्यूज़ चैनल स्विच किए? तकरीबन मुझे 3 से 4 साल का अर्सा हो गया, बहुत मुख्तसर टाइम है, लेकिन इस टाइमिंग में माशाल्लाह से मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखने को मिला मुझे अपने सीनियर्स से। तो वो तमाम तर जो भी हमारे सीनियर एंकर्स हैं, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उनके साथ में बैठ कर काम करती हूँ, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और तकरीबन मैंने 3 से 4 चैनल जो है वो मूव किए हैं, और अब Bold TV के साथ हूँ मुंसलिक, और यहाँ पर अपनी जो भी खिदमत है वो सर अंजाम दे रही हूँ। अच्छा मैम, जैसे कोई न्यूज़ करंट न्यूज़ आ जाए अचानक, तो आप वो उसको कैसे हैंडल करती हैं? हाँ, ये एक थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम, जो कि सब लोग सोच रहे होते हैं कि अचानक से इस तरह की खबरें आ जाती हैं तो ये लोग कैसे हैंडल करते होंगे। तो लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि स्टार्ट में, जब बिल्कुल मेरा स्टार्ट था, तो उस वक्त ये होता था कि हमारे प्रोड्यूसर वगैरह होते थे, क्योंकि हमारा स्टार्ट था, हमारे साथ सीनियर एंकर्स बैठे हुए होते थे, तो अचानक से कोई ब्रेकिंग आ गई तो वो थोड़ा सा अवॉइड करते थे, लेकिन फिर जाहिर सी बात है हमें तो करना ही है। तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ का ये होता था कि खुदा ना खास्ता, वैसे तो ज़्यादातर ट्रेजेडीज़ होती हैं कि नाउज़बिल्ला बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा कि धमाका हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो हमारे माइंड में ये चीज़ें ब्रेकिंग कर होती हैं कि फला जगह पर धमाका हो गया, और सिर्फ हमें एक लिंक दे देते हैं कि क्वेटा में नाउज़बिल्ला या कहीं भी XYZ ब्लास्ट हो गया है, तो ब्रेकिंग करनी है। तो फिर हम लोग उसको इस तरीके से लेकर चलते हैं कि अहम खबर आप तक पहुँचाएँगे, यहाँ पर जो है इस तरह से बम धमाके की आवाज़ सुनी गई है, ताकि एकदम से सनसनी नहीं है, इतने ज़्यादा वो नहीं फैलाते कि लोग घबराना शुरू हो जाएं। सिर्फ उस वक्त हम लोग का ये होता है कि जब तक डिटेल्स नहीं आए तो हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि धमाके की आवाज़ सुनाई गई है, दीगर अतराफ में भी ज़ोरदार आवाज़ सुनी गई है। अब तक की इत्तला के मुताबिक सिर्फ धमाका हुआ है, आया कि जख्मियों की कितनी तादाद है या हलाकत है कितने, कहना का प्लस वक्त होगा। तो इस तरह से लेकर इस चीज़ को हम चलते हैं। अच्छा मैम, आपको अगर न्यूज़ एंकरिंग से कन्वर्ट होना हो जर्नलिस्ट में, हाँ, आप होंगी? तो जर्नलिस्ट के तौर पर एक बार बता दूं कि एज अ जर्नलिस्ट के तौर पर भी मैंने अप्लाई किया है, मैं माशाल्लाह से जर्नलिस्ट भी हूँ, कॉलम्स भी लिखती हूँ, और अभी ये स्टार्ट है मेरा कि मैं कॉलम्स वगैरह लिखना मैंने शुरू किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चीज़ से आप मुंसलिक होते हैं, जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट और एंकर, इनका जो है अज़ल से ताल्लुक चलता चला आ रहा है, तो ये चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए आपके पास एटलीस्ट इतना मवाद होना चाहिए कि आप उस पर बात कर सकें। अच्छा मैम, जो लोग इंटर्नी के लिए आते हैं तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन के लिए तो बस मैं ये कहूँगी कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप एज अ न्यूज़ एंकर के तौर पर आना चाहते हैं या बहुत से प्रोग्राम्स एंकर्स होते हैं, तो वो ये ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बल्कि मेहनत की ज़रूरत होती है। आज हम इस मकाम पर हैं तो हमने भी यकीनन बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। तो आपको अगर एज अ इंटर्नी के तौर पर आप आते हैं तो जर्नलिज्म कीजिए। इसके अलावा सबसे अहम तरीन चीज़ें जो है हालात हाजरा, उस पर आपकी कमान मजबूत होनी चाहिए,
अखबारात पढ़िए, कॉलम्स पढ़िए, उनसे जो है आपको चीज़ें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगी, और जब वो चीज़ें आपके पास होंगी तो आप एक अच्छे एंकर के तौर पर उभर सकते हैं, बन सकते हैं, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत मदद आपको देंगी आगे आपके फ्यूचर के लिए। तो इंटर्निंग के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि वो सबसे पहले तो छोटे मोटे से कॉलम्स लिखना शुरू करें, कुछ छोटी छोटी सी वीडियोज़ बनाना शुरू करें, न्यूज़ पढ़ना शुरू करें, और अपने एक अच्छे से एक्सेंट को सामने लेकर आएँ और फिर स्टार्ट करें इंशाल्लाह। मैम, एज अ न्यूज़ एंकर आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगी? 5 साल के बाद ये बहुत एक अच्छा सा सवाल है। आपने भी देखा होगा वो तमाम पर अक्सर चैनल्स पे आप देख रहे होते हैं कि करंट अफेयर्स के शो कर रहे होते हैं बैठ बैठ कर, और सीनियर तजियाकार के तौर पर बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल यहीं पर देखना चाहूँगी, और ख्वाहिश भी है कि इतनी अहमियत की हामिल हूँ मैं आने वाले दिनों में कि मैं एक अच्छा सा करंट अफेयर का शो कर सकूँ, या जो भी कोई हैपनिंग्स हो जाती हैं, कुछ हो जाती हैं, तो उस पर बैठ कर कम अज़ कम अपना एक अच्छा तजिया दे सकूँ, जैसे कि हमारे सीनियर्स देखते हैं, देते हैं और देते आ रहे हैं इंशाल्लाह। जी अच्छा मैम, जैसे कि आप इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं, इसके अलावा आपकी क्या क्या मसरूफ़ हैं? इसके अलावा तो खैर बस ये होता है कि फ़िलहाल तो ये है कि हम ऑफिस जाते हैं, अपनी न्यूज़ वगैरह करते हैं, अपने टाइम पूरा करते हैं, फिर उसके बाद घर जाके थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, अपने घर को टाइम देते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, उनको टाइम देते हैं। उसके अलावा जो टाइम बच जाता है हमारा, उसमें यकीनी तौर पर कुछ अपने शौक़ भी होते हैं, तो मुझे एक्टिंग का, इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा शौक है, तो बस उसमें अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, और कुछ पढ़ लिया, कुछ कर लिया, कुछ मौज मस्ती कर ली फ्रेंड्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ। अच्छा मैम, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा व्यूवर्स को मैसेज सिर्फ यही देना चाहूँगी कि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बहरा रवि का दौर चल पड़ा है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वक्त गुजर रहा है, तो बस मैं ये कहूँगी कि अपनों के साथ रहिए, अपनों को जितना टाइम दे सकें दीजिए, क्योंकि एक चीज़ है ना, एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, मैं अपने लिए भी कहूँगी कि हमारे पास आजकल ये है कि एक मोबाइल आ गया है, तो उस मोबाइल को हमारे पास मौजूद होता है, हम बेशक अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बहुत दूर होते हैं, क्योंकि हमारे तमाम तर फोकस उस पर होता है। तो अपनों के साथ बैठें, ख़ास तौर पर अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, और उनकी दिल की बात सुनिए कि वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो देखें, अपनों को अहमियत देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इससे दूरियाँ ना बढ़ाएँ, कुर्बत बढ़ाएँ, अपने दोस्त अहबाब फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी है उनको लेकर चलिए और उनके साथ मुंसलिक रहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने इस इंटरव्यू के लिए अपना टाइम निकाला। नहीं इट्स ओके, बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी अहमियत दी और मुझे यहाँ पर बुलाया, और बल्कि मैं तो यहाँ पर एक मैसेज अपने तमाम तर जो मेरी एंकर्स फैमिली है या हमारे एंकर्स हैं और जितने भी लोग हैं एज ए सेलिब्रिटी के तौर पर, उनसे भी यही कहूँगी कि अदील एक बहुत अच्छे से जो है होस्ट हैं, और इनके शो में आइए, इनको ज्वाइन कीजिए, इनको इंटरव्यू दीजिए, वो सुनना चाहते हैं कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं, और वो तमाम तर व्यूवर्स जो हैं वो भी यकीनन हमें जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हम हैं क्या। थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ आज के इंटरव्यू का इख्तिताम हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।